ओके गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप योर जेई 2020 प्रिपरेशन आर गोइंग वेल. ठीक है, या 2021 प्रिपरेशन इफ यू आर इन 11th. तो अभी मुझे आईजी पे बहुत सारे लोग इस तरह की बातें पूछ रहे हैं कि भैया अब हमारे जेई में केवल 2 महीने बचे हैं, क्या करें, या मैंने अपना 11th 12th पूरा वेस्ट कर दिया और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, व्हाट शुड आई डू. इस तरह की बातें बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं. ओके, तो ये वीडियो उन्हीं को एड्रेस करने के लिए है भाई कि 11th 12th पूरा बिगाड़ लिया, बचे हैं महीने 2, या बिगाड़ा नहीं है तो भी 2 महीने ही बचे हैं यार, तो क्या यूज़ करें, किस तरह से करें कि यार अपन अपना अच्छा कर पाएं जी. ठीक है, तो अब इस चीज़ पे मैं ऑलमोस्ट हर महीने वीडियो बना रहा आया हूँ. पिछले 5-6 महीने से मैं हर महीने बनाता हूँ कि यार 3 महीने बचे हैं तो कैसे पढ़ना है, 2 महीने बचे तो कैसे पढ़ना है, 1 महीने पहले कैसे पढ़ना है. ठीक है, या और ये मेरे 4वीं अटैम्प्ट के लिए भी किया, अब मैं अप्रैल अटैम्प्ट के लिए भी कर रहा हूँ. तो क्या है कि यार बच्चों को क्या है कि कई बार ऐसा बताना पड़ता है यार कि भाई पढ़ ले. ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली इज दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो दिस इज गोइंग टू बी एन अल्टीमेट गाइड कि आप किस तरह से अगले 2 महीनों को यूज़ करो. ठीक है, स्पेशली द मंथ ऑफ फेब्रवरी. क्यों? क्योंकि आपके पास जो 2 महीने बचे उनमें से एक है फेब्रवरी, एक है मार्च. मार्च जो है पूरा बोर्ड्स के नाम आपका हो जाएगा. ठीक है, बचेगा आपके पास केवल फेब्रवरी, मतलब मोर और लेस मार्च. ठीक है, अब किसी किसी बोर्ड में पहले आगे पीछे होते हैं मुझे पता है, बट कुल मिला के तुम्हारे पास 2 में से 1 महीना इन सब चीज़ों में चला जाएगा. अब बचेगा महीना केवल 1. तो उस 1 महीने के अंदर तुमने जो कर लिया वो कर लिया, उसके अंदर तुम अभी भी अपना बचा सकते हो जेई. उसके बाद उससे पहले कुछ नहीं होगा, उससे पहले का तो क्या ही करोगे, समय निकल चुका है, जनवरी तो खत्म हो गया है ना. तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो. इसको एंड तक देखना मत भूलना. मेरे चैनल पर कोई और वीडियो देखिए चलेगा, डिसलाइक कर दो सब वीडियो, बट ये वीडियोस एंड तक देखना क्योंकि ये तुम्हारे काम की है. ओके, तो तुम में से जो लोग कोई और क्वेरी रखते हैं तो मुझे यहाँ भेज सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे kalpit.veerwal डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं कुछ पढ़ के करता हूँ. अगर अकाउंट नहीं है तो मत बनाना प्लीज़. ठीक है, ऐसी हरकतें नहीं करनी है. अकाउंट है, चलाते हो, ऐप इंस्टॉल्ड है तो ही जाके देखना है, वरना टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने. ओके, तो अब बात करते हैं यार कि क्या करना है. तो सबसे पहली बात जो मैं हर बार बोलता हूँ, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी है. ठीक है, मुझे डेली बेसिस पे कोरा पे और इंस्टाग्राम पे बच्चे इस तरह के मैसेज भेज रहे हैं कि यार मेरा तो पूरा 11th में बिगाड़ के बैठ गया और अब मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मैं तो यार सोच रहा हूँ ड्रॉप ले लेता हूँ और अगले साल के लिए. और बच्चे ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं कि मैं अगले साल की प्रिपरेशन कैसे करूं? मतलब भाई तुम्हारे पास अभी 3 महीने बचे हैं एडवांस के अंदर, 2 महीने बचे मेरे से, तुम उसका छोड़ के सोचो अगले साल की तैयारी कैसे करूं? ये क्या हरकत है भाई? ठीक है, जो अभी हाथ में वो लो रहे हैं और आगे करके सोच रहे हो इतना कि 1 साल बाद क्या करूँगा मैं. ठीक है, मेरा तो 1-1 महीने बाद स्केड्यूल चेंज होता रहता है, दिन के बेसिस पे चेंज होता है, तो हम 1 महीने बाद की प्लानिंग कर रहे हो, वाह भाई. ओके, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हर बच्चे की फेज में जेई प्रिपरेशन में ऐसे पीरियड्स आते हैं जब वो सोचता है यार कि मैं पहले सीरियस हो जाता तो बढ़िया था. ओके, एंड जेई में जब जाओगे तब सवेरा वाली जो कॉन्सेप्ट है वो हर समय वैलिड रहती है, हर समय में. ठीक है, जो बच्चे सोचते हैं कि हमने 11th बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं, 12th में पढ़ेंगे तो भी अच्छा कर सकते हो. 12th बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं, 6 महीने में पढ़ेंगे. ठीक है, 6 महीने बिगाड़ दे, कोई बात नहीं, अक्टूबर नवंबर में सीरियस हो जाओ, बहुत अच्छा कर लोगे. अक्टूबर नवंबर में भी सीरियस नहीं हुए, जनवरी अटैम्प्ट के बाद जो 3 महीने बचते हैं उनमें सीरियस हो जाओ तो कर लोगे. ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, ये होता है, बच्चे करते हैं, हर साल करके आते हैं. ठीक है, कोई वो कोई बड़ी बात नहीं, सीरियसनेस की बात है. अब तुम्हारे पास केवल बच्चे फरवरी मार्च, और मैंने बताया मार्च तो तुम्हारा गया है, तो अब तुम ये चीज़ आगे नहीं लगा सकते. मतलब अब जो सीरियस होकर पढ़ लिया ना वो पढ़ लिया, उसके आगे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, फिर तुम्हारी बस निकल जाएगा और वो जो सपना है ना तुम्हारा आईटी जाने का, ये वो करने का, वो कॉलेज के सामने फोटो खींचने का, अधूरा रह जाएगा. ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ. ठीक है, होगा नहीं होगा वो तो तुम पे है, लेकिन तुम नहीं पढ़ोगे ना यहाँ पे तो नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ भी नहीं होगा. ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है और कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ वो बातें सुनना बस. तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केड्यूल फिक्स करना है. सबसे पहली चीज़ लाइफ में कुछ भी करने से पहले स्केड्यूल अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अपना स्केड्यूल आपके आपको जो फिट होता है. ठीक है, कोई लोग सुबह पढ़ना पसंद करते हैं, कोई लोग शाम को पढ़ना पसंद करते हैं, कोई लोग रात को पढ़ना पसंद करते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर यू. एटलीस्ट दिन में 24 में से 10 घंटे पढ़ाई की जा सकती है. इस समय अगर तुम इतना नहीं एफर्ट लगा सकते हो ना, तो ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, नहीं पसंद है तो प्लीज़ चैनल अनसब्सक्राइब कर लो, चलेगा मुझे, लेकिन ये बात सुननी जरूरी है. अगर तुम इतना एफर्ट 1 महीने में नहीं लगा सकते हो ना, तो तुम आईआईटी जाना डिजर्व ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे सब बच्चे मेहनत करते हैं. ठीक है, यहाँ केवल वो बच्चा जाएगा जो मेहनती है, जिसमें वर्क एथिक है, वरना ऐसा इंजीनियर आईआईटी में जाने लायक था ही नहीं कभी. तो ये तुम्हें डेवलप करना होगा. ठीक है, डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ी देर बैठो,
किताबों की तरफ स्टडी करना मुश्किल काम होता है, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट समथिंग एवरी वन कैन डू, ठीक है। तो आपको थोड़ा वर्क एथिक रखना होगा। अगर कोई पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं और नहीं देख रहे तो तुम्हें दिखानी चाहिए कि अगर आप हो सके तो एक महीने की, डेढ़ महीने की आप लीव ले सकते हैं, या एटलीस्ट किसी रिलेटिव को जो वर्किंग नहीं है, कोई दादी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको आप घर पे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार एक सुपरविजन हो जाती है बच्चों की, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स थे और मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया था, ठीक है, इस समय, उसके बारे में बाद में बताऊँगा। तो ऐसी चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़ आपका स्केड्यूल फिक्स करना है, ठीक है। अभी 10 घंटे कैसे अलॉट करने हैं यार, इसके बारे में दुनिया भर की वीडियोज़ है, मैंने खुद बना रखी, वो तुम देख सकते हो, तुम्हें कैसे भी हो, बट कुल मिला के 10 घंटे पढ़ने हैं। अब कैसे हो सकता है, 7 से 11 एक हो गया, ठीक है, 2 से 5 और पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद 6 से 10 और पढ़ लिए, ठीक है, ये कितने हो गए, 3 घंटे 4 घंटे 4 घंटे, ये तो 11 घंटे हो गए, इनमें से भी 1 घंटा हटा दो यार, तो भी इतना सारा टाइम, इतना सोने का टाइम है, सब चीज़ करने का टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इतना सीरियसनेस आपके पास इस समय हो जाना चाहिए। पहली बात ये हुई कि स्केड्यूल अच्छा करने, स्टडी आवर्स बढ़ाने। अब बात आती है कंटेंट की, कि पढ़े क्या, ओके, कंटेंट की बात आती है। तो अभी तुम फुल फ्लेश्ड कोचिंग के कंटेंट पे जाओगे, तुम्हारा बहुत गंदा कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि आप फुल फ्लेश्ड कंटेंट जेई का पढ़ते हो ना, उसमें लगते हैं 2 साल, क्योंकि उसमें सब चीज़ें बता रखी होती है, थ्योरम्स दिए होते हैं, थ्योरम्स के प्रूफ दिए होते हैं, उनके बेस पे सैंपल एक्सरसाइज होती है, उनके बेस पे DPP होती है, शीट होती है। अब तुम इनमें क्या क्या करोगे? अब मुझे पता है तुम्हें से कुछ लोग बोलेंगे कि भैया हम पिकअप करके कर सकते हैं, तो यार पिकअप करके तुम कितना टाइम वेस्ट करोगे अपना, कि मैं ये पिकअप करूँ, ये पिकअप करूँ। तो ऐसे में आपको लेने चाहिए क्रैश कोर्सेस या रैंक बूस्टर्स, ठीक है, ये आपको यूज करने चाहिए, प्लस NCERT प्लस टेस्ट पेपर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो अभी आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव कैसे हुआ, कोई मतलब नहीं है। आपको भी ये पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये होता है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, अभी यही इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अगर साइंटिस्ट बनना था तो उसके लिए 2 साल थे, तुमने यूज़ नहीं किए, ठीक है, वो तुम्हारी गलती है। तो अब तुम्हें यही चीज़ रटना ही होगा, अब और कोई तरीका ही नहीं है अगर तुम्हें निकलना है तो, ठीक है। इसके लिए मैं कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है, और यार ठीक है, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये मैं दिसंबर में बोला था, ये मैं जनवरी में बोला था, और मैं वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है। बच्चे अकेडमिक्स का कोर्स लेके इतना बेनिफिट किए ना, उनकी मार्क्स सच में फेनोमेनली इंक्रीज हुए, ठीक है। बच्चे बोलते हैं कि उनके 30-40-50 मार्क्स तक बढ़ गए इस कोर्स की वजह से, ठीक है। अभी भी वैलिड है, अभी भी लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। अब तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो इसलिए बोल रहे हैं कि इनकी कंपनी है, ये है, वो है, तो अब कुछ लोग इवन ये भी बोल रहे हैं कि मैंने खुद अपने फेक अकाउंट्स बना के अपने यूट्यूब सेक्शन के कमेंट्स में कर रखा है कि भाई अकेडमिक्स का कोर्स बहुत अच्छा है, मेरे मार्क्स बढ़ गए। अब पहली बात मैं बताता हूँ, कोई बच्चा जो IIT में पढ़ता है इतना वेला नहीं होता है कि वो ऐसी हरकतें करे कि फेक अकाउंट्स बना के कर रहा है, और चलो ठीक है फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो कितने अकाउंट्स बना लूँगा, 4-5-10 मैक्स। कम से कम 100-200 स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पे इस तरह से कमेंट्स कर रखे हैं कि भाई उन्होंने कोर्स लिया और अपने मार्क्स भी रिपोर्ट कर रखे कि इतने इतने थे। अब भाई मैं 100 अकाउंट्स बनाऊंगा क्या मैं गूगल पे, कितने बना लूंगा मैं, अगर बनाए भी होंगे तो, ठीक है। तो तुम खुद जाके देखो, बच्चों का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अभी 3-5 हज़ार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तुम्हारे, ठीक है। ऑफकोर्स अगर तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो उसके लिए मैं फोर्स नहीं करूंगा, बट अगर तुम कर सकते हो, अगर तुम ऑलरेडी 2-3 लाख रुपए कोचिंग पे डाल चुके हो, तो ये 3-5 लाख रुपए हज़ार लगाने से तुम्हारे को जाएगा नहीं, ओके। और उसमें तुम्हारे मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तुम ले सकते हो, कि इसमें हमने क्या कर रखा है कि ये 2 साल की जर्नी जो है ना, इसको हमने 30 आवर्स में कंप्रेस करने का ट्राई किया। कैसे किया है? कि हमने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वही डिस्कस किए हैं, उनके अंदर केवल फॉर्मूले और किस तरह से क्वेश्चन निकालना ये डिस्कस किया है। तो तुम रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हो, बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है यार कि मैं अपना सेल्स बढ़ा दो या मार्केटिंग कर लो, वो नहीं है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो उसका बताना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये मैंने क्यों बनाया है, अकेडमिक्स का इन्वेंशन इसलिए किया ताकि आप लोग का बेनिफिट हो, ताकि स्टूडेंट कम्युनिटी को एक नया वे मिले प्रिपरेशन के लिए ऑफ एनीथिंग इन अकेडमिक्स। और अगर बच्चों की हेल्प हो रही है तो बताना चाहिए, पीपल शुड नो, ओके। तो आप ये ले सकते हो, और मैं बता रहा हूँ कि ये आपकी वन ऑफ द सेफेस्ट बैट ऑन द इंटरनेट है, क्योंकि प्रूवन रिकॉर्ड है। बच्चे ऑन एन एवरेज रोज इसको 2-3 घंटे देख रहे हैं, ठीक है। अब कुछ अच्छा होगा तभी देख रहे होंगे, वरना इतने बच्चे क्यों देखेंगे, ठीक है, वो भी इस समय पर। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम साइनअप कर सकते हो। तुमने भी कुछ लॉस नहीं किया, क्योंकि कोर्स लगभग 30 आवर्स की है, ठीक है। तो तुम ऐसे कुछ सोचोगे ना कि यार हमने दिसंबर में नहीं लिया या जनवरी में नहीं लिया, अब लेके क्या मतलब, तो 30 आवर्स के ही है भाई, ठीक है। कितनी भी बार देख सकते हो, ऐसे कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो 30 आवर्स के अंदर आपका एक बहुत अच्छा बेस बिल्ड हो जाएगा, उसके ऊपर आप फिर NCERT के लेयर चढ़ा सकते हो,
ठीक है। तो इसमें क्या कर रखा है बेसिकली कि आपके जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब पहले हमने एक लेवल पहले सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं जिनमें क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं कि ऐसा ऐसा होता है। फिर हमने कुछ एडवांस क्वेश्चंस लगा रखे हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करके स्ट्रैटेजीज दे रखे हैं, किस तरह से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरह से टॉपर्स का माइंडसेट रहता है एग्जाम के समय, कुछ क्वेश्चंस एडवांस के भी अगर आप एडवांस वाला कोर्स लेते हो तो पहले आप ये कर रहे जैसे, ठीक है। उसके ऊपर आपने एनसीईआरटी से थोड़ा थ्योरी का लेवल चढ़ाया, फिर आपने पास पेपर्स लगा दिए। ये चीज़ मेरे हिसाब से एक से दो हफ्ते में की जा सकती है, ठीक है। थोड़ा और एम्पलीफाई करोगे तो एक महीने में तुम बहुत अच्छा कर लोगे ये चीज़ करके। तुम्हारा मतलब कट ऑफ छोड़ो तो बहुत ज़्यादा 200-250 नंबर लेके आ सकते हो। ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ एकदम, केवल अगर ये भी कर लिया 200 नंबर आराम से ला सकते हो अगर ढंग के स्टूडेंट हो थोड़े तो, ठीक है। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में ये सब चेक कर लो। मैंने पेपर्स भी लिंक कर रखे हैं, एनसीईआरटी भी लिंक कर रखी है, कोर्स भी लिंक कर रखा है। और कोर्स जो है ना उसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी। तो आप बिट्स पिलानी है, MHCET है, लोकल स्टेट एग्जाम्स है, उनके लिए भी आप ये सब पढ़ सकते हो, ठीक है। कॉमन चीज़ है, एजुकेशन इन्वेस्टमेंट है, बाद में तुम्हें ही फायदा होगा, ठीक है। हमारा जो हमें जितना करना था उतना हमारा हो गया है, ठीक है। तो कंपनी में क्या रहता है कि टारगेट रहता है कि यार हमें इतना रेवेन्यू जनरेट करना होता है हर क्वार्टर में, तो हमारा वो हो गया, ठीक है। अब मैं बस ये चाहता हूँ कि बच्चों को अगर पसंद में आया है देन पीपल शुड टेक बेनिफिट ऑफ इट, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब तुम में से कुछ लोग इससे होंगे कल्पित अपना बिजनेस कर रहा है, वीडियो तो इसने ऐसे ही बना दी कि हमें अपना कोर्स बेच दे, तो यार उसका मैं कुछ कर नहीं सकता अगर तुम ऐसा सोचते हो तो, ठीक है। मैं जनरली अब तुम्हारी मदद करने के लिए बता रहा हूँ। तुम्हें अगर फिर भी नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई और कोर्सेज लो, बहुत सारी कंपनीज के आते हैं। अकेडमिक्स तो मैं बता रहा हूँ कि यार ठीक है बच्चों को पसंद आ रहा है वो, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसकी जगह कोई और स्टडी मटेरियल यूज़ करो, ठीक है। अगर तुम्हें ये चीज़ किसी वजह से नहीं पसंद है, कोई रीज़न है, तो तुम यहाँ पर कुछ और चढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर तुम नॉर्मल कोचिंग जाते हो कोचिंग का माल ले लो, ठीक है। लेकिन कोचिंग में आपको कंप्रेस करना आना चाहिए, ठीक है। पहली बात, कोचिंग के अंदर आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको पढ़ने है केवल उसके अंदर जो समरी दी होती है वो फॉर्मूले पढ़ो और एक्सरसाइज वन लगाओ और एग्जांपल्स देखो बस। एक्सरसाइज टू इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, एडवांस लेवल क्वेश्चंस, ये सब में जाना ही नहीं है। केवल अपन को जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और समरी या फॉर्मूले वही देखने हैं, प्रूफ में मत घुसना, ओके। और वैसे कोर्स का मोटिव यही है कि ये चीज़ आपकी चली जाए, बट ठीक है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल हो जाता है, ठीक है, फरवरी के लिए। फिर आपको क्या करना चाहिए कि एक बार आपके बेसिक्स बिल्ड हो गए ना ये सब करने से, देन आपको मार्च में बोर्ड्स की तैयारी के साथ साथ अपना ट्वेल्थ का बहुत तगड़ा रिवीजन करना है, ओके, मेंस लेवल के हिसाब से। क्योंकि बोर्ड्स में आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से वैसे रिवाइज कर रहे होते हो फॉर एग्जाम्स, तो उसके बीच में जो ब्रेक्स मिलते हैं तब आप उस एनसीईआरटी के बेसिस पे, उस चैप्टर के बेसिस पे आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, एमसीक्यूज लगा सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ कर सकते हो, ऐसी तरह की हरकतें जिनसे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ओके। तो ये बात थी स्टडी मटेरियल की, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने क्या बोला कि एक टेस्ट पेपर्स करो, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें टेस्ट पेपर्स ही करने हैं, ये जरूरी है। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस यूं कहीं उठ के आते हैं, जनवरी रिटर्न में इतने सारे क्वेश्चंस रोट उठ के आए ना कि हद नहीं है, तो वो करो यूं के यूं, ठीक है। और एक अच्छा और कॉन्साइज स्टडी मटेरियल, कॉन्साइज स्टडी मटेरियल, ये याद रखो वर्ड, कि जिसमें अच्छे से आपको कॉन्साइज वे में दे रखा वो ज़रूरी है, ठीक है। तो या तो आप क्रैश कोर्स ले सकते हो नहीं, या फिर आप कोचिंग का कोई ले सकते हो, या इवन कोचिंग्स के भी रैंक बूस्टर्स वगैरह आते हैं वो भी ले सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। मैं मतलब कह रहा हूँ कि एक आपके पास कोई कोर्स मटेरियल भी होना चाहिए, ठीक है, भले वकैट बूस्ट का हो, भले आपकी कोचिंग का हो, भले किसी और जगह का हो, बस होना जरूर चाहिए, ठीक है। तो ये हुई आपके पेपर की बात, स्टडी मटेरियल कैसे रखना है। अब मैं तुम्हें एक दो और बातें बता देता हूँ कि यार अभी मैंने तुम्हें बोला था ना सीरियसनेस की बात, सीरियसनेस के ऊपर मैं कुछ बातें और कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो एंड होने से मैं ऐसा होना चाहिए ना कि बच्चे पढ़ने बैठ जाएं वीडियो देख के यूट्यूब क्लोज करके। वो उसके लिए कि देखो, मैं तुम्हें पहले थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई थी कि यार जो करना होता है ना लाइफ में 15 से 25 की एज में हो जाता है, उसके पहले कुछ नहीं होता, उसके बाद कुछ नहीं होता है, और ये तुम्हारा गोल्डन पीरियड है एक अच्छे कॉलेज में जाके अपने करियर को बिल्ड करने का, ठीक है। उसको मिस मत करना, ठीक है। यहाँ पे केवल तुम्हारी चीज़ें नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बताते नहीं होंगे, बट दे इन्वेस्टेड अ लॉट इन योर एजुकेशन, और तुम्हें एटलीस्ट उनके लिए ये चीज़ करनी चाहिए। वो तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ये चीज़ कि दैट पेरेंट्स का लव इज़ अनकंडीशनल, बट अगर तुम उन्हें ये सब गिफ्ट्स देते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एंड तुम्हारे खुद के लिए भी बहुत अच्छा है यार, अगर IITs वगैरह जाके बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है करियर वाइज देखा जाए तो, ओके। और अभी घबराने की कोई बात नहीं है, एक महीना बहुत है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यार तुम एक बार करके तो देखो जो मैंने बोला है, ये करके देखो, ठीक है। स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है दुनिया में, न टाइम की कमी है, टाइम कमी है केवल पढ़ने की इच्छा की। मुझे आज तक एक बच्चा ऐसा नहीं मिला जो जिसके पास स्टडी मटेरियल कमी हो गई हो। स्टडी मटेरियल है, मेंस का हो गया लाओ एडवांस का लो, एडवांस का हो गया लो इरोडो लगाओ, इरोडो हो गया क्रोटो लगाओ, क्रोटो हो गया ओलंपियाड लगाओ,
स्टडी मटेरियल दुनिया भर का दे दूंगा मैं, ठीक है, टाइम भी आपके पास बहुत है, एक महीना इज मोर देन सफिशियंट, क्या नहीं है, पढ़ने की इच्छा, पढ़ने की इच्छा जिस दिन आ जाएगी ना, बहुत अच्छा कर दोगे, ठीक है, कुछ मत करो और अभी जाओ, वीडियो क्लोज करो, यूट्यूब क्लोज करो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, कोर्स लिंक, बुक लिंक और NCERT लिंक, टेस्ट पेपर लिंक सब दिए हुए हैं, सब ले लो, ठीक है, और धड़ल्ले से लग जाओ, टाइम टेबल सेट करो, अलार्म सेट करो सुबह का, और भाई मचा दो पूरा, ठीक है, यही टाइम है, दिस इज योर टाइम। फरवरी में जो हो गया ना, फरवरी में एकदम फोड़ फाड़ दो, बाकी लोग टाइम पास कर रहे होंगे 14th February को, अपन को काम लगाना है JEE का, ठीक है, तो उसमें असली मज़ा है, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि एटलीस्ट पेरेंट्स वगैरह कोई हो तो देख सकते हैं यार कि बच्चे जैसे पढ़ें एटलीस्ट एक महीने तक, या एक सेल्फ डिसिप्लिन भी रखो यार, मतलब थोड़ा सा चीज़ों से दूर रहो, ठीक है, फ़ोन वगैरह केवल कोर्सेज एक्सेस करने के लिए, ये सब के लिए यूज़ करो, बाकी ट्राई टू अवॉइड देम, ओके, सो या दिस वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू से, तो एक बार डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलना, बिकॉज उसमें मैंने बहुत सारे स्टडी मटेरियल लिंक कर रखा है, ठीक है, अगर तुम 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हम अभी नया कोर्स भी बना रहे हैं, सो यू कैन टेक दैट, ओके, मतलब उसके लिए आप प्री साइन अप कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस अभी नहीं बनाऊंगा 2020 एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ तुम लोग पढ़ाई पे फोकस करो, मोटिवेशन वगैरह चाहिए तो इस वीडियो को वापस देखना, ट्रैक चाहिए इस वीडियो को वापस देखना, बुक मार्केट वॉच लेटर व्हाटएवर, ठीक है, सो या शेयर दिस विथ योर अदर फ्रेंड्स एंड यार एकदम लग जाओ पढ़ने को, ऑल द बेस्ट, मचा दो यार।